नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सैन डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जिंसा। वे डेरा सच्चा सौदा को लेकर हम पब्लिक सर्वे लगातार कर रहे हैं, कोशिश पब्लिक के बीच में पहुंच के फैक्ट आपके सामने रखने की। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? खुश इंसान है सर। डेरा सच्चा सौदा के साथ कितने समय से जुड़े हो? तकरीबन 20 साल से। कैसा माहौल लगता है सर डेरा सच्चा सौदा? बहुत बढ़िया, मन खुश होता है डेरे में आकर। सर आप क्या काम करते हैं? कारपेंटर हूँ। सर क्या आपने डेरा सच्चा सौदा के कितने कैरियर को आपने ऑलमोस्ट देखा हुआ है सर? तकरीबन ऑल इंडिया के 2 डेरे रह चुके हैं, बाकी सभी डेरों को देखा है। तो बहुत खुशी होती है जब डेरे में आते हैं। ये लोग है विदाई को वो बोलते हैं, अच्छाई के रास्तों में कभी ना कभी रुकावटें आती हैं, पर जब सच्चाई सामने आती है तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। सर बेटियों को लेकर माहौल कैसा है डेरा सच्चा सौदा में? बेटियों को तो पिताजी तो अपनी बेटियाँ मानते हैं, हम अपनी बहनें मानते हैं। लोग क्या क्या बोलते हैं बेटियों को, जब एक प्रेमी को देखा जाए तो वो बहन बोलता है, दूसरा क्या क्या बोलता है, गाली देता है, ये जा रहा है, वो जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ये जा रही है, वो बेरी वाली, वो फलाने वाली। प्रेमी सिर्फ ही बोलता है भी मेरी बहन जा रही है, ऐसा पिताजी ने सिखाया। अभी बहन बराबर की है तो बहन, छोटी है तो बेटा बेटी के समान, बड़े हैं तो माता बहन के समान, ये सब पिताजी ने सिखाया। नहीं तो हम भी ठोकरे करते, ऐसे ही करते दुनियादारी जैसे लोग करते हैं, हम भी वैसे ही कहते वो जा रही है वो जा रही है, पर पिताजी ने जो सिखाया बस वही चल रहे हैं। गुरु जी का नेचर कैसा है सर? बहुत बढ़िया, कहने सुनने से परे है। गुरु जी तो जो गुरु ही हो उसको क्या कहना, गुरु तो कहाँ कहाँ से नहीं बचाते, गुरु तो गुरु ही है। गुरु अब माता पिता है, सब गुरु है मेरा तो। दुनिया जो कहे तो कहती रहे, पर हम तो हमारे गुरु थे हैं तो रहेंगे। करेक्टर कैसा है सर गुरु जी का? बहुत बढ़िया। गुरु जी को जो निर्दोष है सब निर्दोष है। गुरु जी जो बगानियों को अपनी बेटियाँ बनाते हैं उसका करेक्टर लेस कैसे हो सकता है? कौन कहता है गुरुजी का करैक्टरलेस? क्या देखा है दुनिया ने? किसी ने क्या देखा? सबूत दो, हमको भी दो, हमें भी चाहिए। वो कह रहे हैं बैज मीडिया में तो बहुत अलग दिखाया गया था, सब बकाऊ माल है, हम तो शरेआम कहते हैं। बस जब सच्चाई का डंका बजेगा सभी को पता लग जाएगा। पैसे में क्या नहीं हो सकता मैम, पैसे में सब कुछ, पैसे से क्या नहीं खरीदा जा सकता, सिर्फ गुरु नहीं खरीदा जा सकता, बाकी सब खरीदा है, बहन भाई सब, जो कहना पैसा कहा सकता है, जैसे पैसा कहा ही जाता दुनिया ने ची आंदी है जिमें कही आंदी है। एक्चुअली में सर गुरुजी ने किया क्या है लोगों के लिए? गुरुजी ने तो अपनी ज़िंदगी दे दी, सारी ज़िंदगी गुरुजी ने अनेकों कर्म, दुनियादारी को, नशे छड़ाने को, जो शाम को अपनी बीवी बेटियों को मारते थे, शराब पी के नशे में धोते थे, 2 बजे तक बाहर रहते थे, 3 बजे तक, अब अपने घर में अच्छे हैं, सुख रहते हैं, तो और क्या चाहिए दुनिया? अच्छे काम तो दिखते नहीं है किसी को, पर दूसरे दिखते हैं, दिखी जाते हैं, वह गुरु जी वो आड़े बाबा जे है वो आ, पर अच्छाई के काम में जो गुरु जी पहले थे, पहला नंबर है, वो किसी को क्यों नहीं दिखता? दिखना चाहिए। बुरे काम तो हर एक को दिखते हैं, पर अच्छे काम क्यों नहीं दिखते? दिखने चाहिए। सर वैश्या को मुख्य धारा में लाने के लिए क्या योगदान है? कौन कहता था वैश्या एक, लोग कहते हैं बढ़िया है, वहाँ चलते हैं यहाँ चलते हैं, पर किसी की मजबूरी थी, वो बेटियों की मजबूरी थी, क्या उसके माँ बाप ऐसे कामों में निकालते थे उसको? पर किसी ने ऐसा नहीं कहा कि वो भी किसी की बेटियाँ हैं, वो भी किसी की माँ हैं, पर सिर्फ गुरुजी ने अपनी बेटियाँ बनाकर ही उनको जीवन दिया है, उसकी ब्याह शादियाँ की हैं, अपनी बेटियाँ बनाई हैं, कौन बनाएगा? वो कह रहा है ये फलानी रखेल जा रही है, वो जा रही है, गुरुजी ने अपनी बेटी बनाया जिसको। तो वैसे लोगों को समझना चाहिए भी ऐसे काम, गंदे काम से निकाल कर अच्छा बनाया है, तो कैसे हो सकते हैं गुरु, ऐसे हो सकते हैं या नहीं? क्या ज़रूरत है समाज को गुरुजी की? गुरुजी को हम तो निवेदन करते हैं कि हमारे गुरुजी निर्दोष हैं, कभी ऐसा काम नहीं किया। हम अपना सतगुरु को पूरा प्यार करते हैं, हमें चाहिए भी गुरुजी आज हमारे डेरे में आएँ और ये
नशा वैश्यावर्ती सब खत्म हो जाएगा। दुनिया का भला चाहते हो तो गुरुजी को आना ही पड़ेगा। क्या मांग करोगे सरकार से? सरकार से यही मांग है कि हमारे गुरुजी हमको बस बरी कर दे और हमारे पास पहुंचा दे, बस इतना ही चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों ये वो लोग हैं जो डेरा सच्चा सौदा के कोने कोने में जाते रहे हैं, वहाँ हर जगह इन्होंने माहौल देखा है। इनका मानना है जो भी एलिगेशन डेरा सच्चा सौदा के नाम पर बेटियों को लेकर लगाए जा रहे हैं, गुरु राम रेम जी के बारे में बताया जा रहा है, वो सब झूठे हैं। फिर आखिर क्यों एक संत को बदनाम किया गया, आखिर क्यों एक संस्था को बदनाम किया गया, आखिर क्यों फिर वहाँ जाने वाली लड़कियों को बदनाम किया गया, ये लोग सवाल कर रहे हैं समाज से और मांग कर रहे हैं कि गुरु जी की इस देश को, इस समाज को सख्त जरूरत है। आप लोग भी अपनी राय खुले दिमाग से कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट टाइम।